एपिसोड 345 ध्रुव को मिला उपाय। माई से ये जानने के बाद कि बंजारन का साया अनन्या के ऊपर से तभी हट सकता है जब या तो कोई खुद उसे पूरे होशो आवास में अपने ऊपर लेना चाहे या नहीं तो उसका साया छलावा के ऊपर डाल दिया जाए, क्योंकि वो उसका बेटा है तो उसे बर्दाश्त कर सकता है। और ये सुनकर अनन्या काफी परेशान थी कि अब ये खबर वो ध्रुव तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि जब तक ध्रुव को पता नहीं चलेगा तब तक ध्रुव कुछ नहीं कर पाएगा। और तभी माई आगे बोली, तुम इन सब बातों को सोचकर परेशान मत हो, मैं हूँ, मैं इन चीजों को बहुत आसानी से संभाल सकती हूँ। तुम वो करो जो अभी के लिए जरूरी है। तुम एक बार फिर से उस लड़के करुण को फोन करो और उसे हमारे साथ मिलाने के लिए बात करो। और हाँ, उसे सबसे बड़ा लालच देना मत भूलना कि अगर वो हमारा साथ देने को तैयार हो जाता है तो हम उसे उसकी सबसे कीमती चीज लौटा सकते हैं। और इतना कहकर माई ने अनन्या की आंखों में देखा और मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। और माई के जाने के बाद अनन्या अपने मन में बोली, कीमती चीज लौटा सकते हैं? कौन सी कीमती चीज? और एकदम से अनन्या के दिमाग में पूजा का नाम आया और उसने कहा, एक मिनट, उन्होंने क्या कहा कि वो पूजा को लौटा सकती है? लेकिन कैसे? पूजा की तो मौत हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहने की कोशिश कर रही थी। क्या करूं मैं, यहाँ ये लोग मेरे दोस्तों को फंसाने में लगे हुए हैं और जैसा कि माई कह रही थी, ध्रुव को तो सिर्फ यहाँ से दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विकी और तारा तो वाकई किसी मुसीबत में है और मैं खुद इतनी उलझी हुई हूँ। तभी अनन्या को अपनी गर्दन और अपनी पूरी बॉडी में एक अजीब सी सरसराहट महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में ऐठन हो रही है और उसे दर्द हो रहा है। उसे लग रहा था जैसे उसकी गर्दन से लेकर उसके सर तक कुछ रेंग रहा है। अनन्या ने हाथों से छूकर देखा लेकिन कहीं कुछ नहीं था। एकदम से उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बस अब उसका सर दर्द से फट जाएगा। अनन्या ने दोनों हाथों से अपने सर को थामा था और वहीं घुटने के बल नीचे बैठ गई और बोली, अचानक ये दर्द क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? और धीरे धीरे करके वो एकदम नॉर्मल हो गया। और अनन्या उठकर खड़ी हो गई और उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल थी। और अनन्या बड़ी अदा से चलती हुई बेड पर रखे अपने मोबाइल तक गई और उसमें करण का नंबर डायल किया, लेकिन करण का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। और अनन्या बोली, इसका तो नंबर बंद आ रहा है, अब कौन है इस मामले में जो मदद कर सकता है? पूजा के घर वाले? नहीं, लेकिन उन्होंने तो पूजा को खुद अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक दिया था, तो और दूसरा कौन हो सकता है इसमें मदद कर सकता है? तभी ध्रुव उसके कमरे की तरफ आता हुआ बोला, अनन्या तुम कुछ कर रही हो क्या? और अनन्या एकदम नॉर्मल होकर बोली, नहीं कुछ नहीं, अंदर आओ। और ध्रुव ने कहा, वो तुम कह रही थी ना बाहर चलना है तो चले। और अनन्या बोली, मैं कह रही थी? कब? और उसकी बात पर ध्रुव ने उसे सर से पैर तक घूर कर देखा और बोला, मेरा मतलब है हम लोग प्लान कर रहे थे ना कि हमें बाहर चलना है सजनी और जुल्मी को घुमाने के लिए, तो ये तुम्हारा गांव है तो आज तो तुम होस्ट हो, तुम्हें तो चलना ही चाहिए। और अनन्या ने कहा, बिल्कुल मैं चलूंगी ना तुम लोगों के साथ, मैं तो खुद तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। इतना कहकर अनन्या आगे आई और उसने ध्रुव के हाथ को थाम लिया। और ध्रुव अनन्या का हाथ अपने हाथों में लेता हुआ उसकी आंखों में देखकर बोला, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। और इतना कहते हुए ध्रुव ने अनन्या के गालों पर बिखरे हुए बालों को समेटा और उसके कान के पीछे करता हुआ बोला, जानती हो कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी हर एक सांस को पहचानता हूँ, लेकिन कभी अचानक लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तुम कोई अजनबी हो, कोई बहरूपिया हो, तुम मेरी अनन्या नहीं हो। और मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी गर्दन को पकड़ूं और तुमसे सवाल करूं, कौन हो तुम और मेरी अनन्या के भेष में क्या कर रही हो? मेरी अनन्या जो मासूम है, जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल से भी खूबसूरत है, लेकिन तुम तुम्हारी खूबसूरत रूप के पीछे एक घिनौना सच है जिसे तुम कितनी भी मासूमियत की परत चढ़ा लो छुपा नहीं सकती, साफ नजर आ रही हो। और इतना कहते हुए ध्रुव का हाथ अनन्या के गालों से फिसलते हुए उसकी गर्दन पर पहुंच चुका था और उसके गर्दन पर जैसे दबाव बनने लगा था। और अनन्या ने एकदम से ध्रुव का हाथ हटाया और उसे पीछे धक्का दे दिया। ध्रुव साफ महसूस कर पा रहा था कि धक्के में जो फोर्स है वो अनन्या तो नहीं दे सकती कम से कम। और ध्रुव ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, तुम सीरियस क्यों हो रही हो? अनन्या की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और उसने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, ये सब क्या था ध्रुव, ये क्या किया तुमने? तुम अभी अभी तो मेरा गला दबा रहे थे, तुम मुझे मारना चाहते हो और ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो तुम? मुझे तो तुमसे डर लगता है कभी कभी, तुम मुझे कह रहे हो मैं अनन्या नहीं लगती, लेकिन तुम मुझे ध्रुव नहीं लगते, तुम कोई बहरूपिया लगते हो जो ध्रुव के वेश में हमारे साथ रह रहे हो, क्योंकि हमारा ध्रुव तो बहुत कूल था, समझदार था, ऐसी बेमतलब की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन तुम तो हमेशा जासूसी करते हुए लगते हो।
यही सवाल मैं तुमसे कह सकती हूँ कि कौन हो तुम? ध्रुव नॉर्मल होकर बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जानती हो, मेरा जो कुछ भी है ना, सब तुमसे ही तो जुड़ा हुआ है। और जब तुम जिस रूप में मुझे देखना चाहोगी, मैं तुम्हें उसी रूप में देखूंगा और वैसा ही महसूस करोगी तुम मेरे साथ। आखिर हमारा रिश्ता है ही कुछ ऐसा। और ध्रुव की बात सुनते हुए, जो अनन्या अब तक तेवर में बोल रही थी, वो एकदम से नरम लहजे पर आकर बोली, ध्रुव मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह वक्त बिताना चाहती हूँ। हमारा रिश्ता जो हमने कभी स्वीकार नहीं किया, उसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इतना कहकर अनन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, बोलो ना, मेरा हाथ थामोगे ना? ध्रुव ने आगे बढ़कर अनन्या का हाथ थामा और बोला, मेरा और अनन्या का रिश्ता तो हमेशा से है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम एक दूसरे की खुशबू से ही एक दूसरे को पहचानते हैं। हमें किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। और रही बात हाथ थामने की, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अनन्या का हाथ थामने का ही वादा किया है खुद से। तुम फिक्र मत करो, मेरे और अनन्या के बीच कभी कोई नहीं आ सकता, ना कोई इंसान, ना किसी की परछाई, ना कुछ और। ध्रुव की बातों से अनन्या के चेहरे पर पसीना और उसकी आंखों में नर्वसनेस दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घबरा रही है, उसे डर लग रहा है ध्रुव की बात सुनकर। और धीरे धीरे करके अनन्या की पूरी बॉडी लूज होने लगी थी और उसे चक्कर जैसा आने लगा था। इससे पहले कि वो गिरती, ध्रुव ने उसे थाम लिया और उसे बेड पर बिठाता हुआ बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और अनन्या बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों सर बहुत अजीब सा भारी हो रहा है। तुम कब आए? मेरा मतलब, अभी मुझे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं नीचे ही बैठ गई थी। उसके बाद ध्रुव ने अनन्या को संभालते हुए कहा, तो अगर तुम्हें अभी भी ठीक नहीं लग रहा है तो तुम रेस्ट करो, हम रहने देते हैं, अभी बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। और अनन्या बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये बस इंस्टेंट ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। तुम परेशान मत हो ना, तुम लोग प्लान बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। और ध्रुव जैसे ही वहां से जाने लगा, अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और ध्रुव ने पीछे पलट कर देखा और बोला, कुछ चाहिए तुम्हें? और अनन्या उठकर खड़ी हुई और ध्रुव के सीने से लग गई और उसे कसकर पकड़ती हुई बोली, बस मुझे यही चाहिए। पता है ऐसा लगता है ना जैसे सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा जब तुम मेरे इतने करीब रहते हो। और ध्रुव ने धीरे से अनन्या को खुद से अलग करते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूलना मत, मैं मेरी अनन्या के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, और अगर कोई आने की कोशिश भी करेगा ये सोचकर कि मुझे पता नहीं चलता तो मैं बता दूं कि हम दोनों के बीच हवा के झोंके को भी पहचान सकता हूँ। हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है समझने में, पर मैं जानता हूँ मेरी अनन्या इतनी मजबूत है कि अपनी लड़ाई तो वो अकेले भी लड़ सकती है, मैं तो बस उसके साथ खड़ा होता हूँ। इतना कहते हुए ध्रुव ने अनन्या को एकदम पीछे घुमाया और उसके गले के पास हाथ रखता हुआ उसके कान में बोला, अपना ध्यान रखना, मैं हूँ हर वक्त तुम्हारे आस पास हूँ, तुम कहीं भी रहो जैसे भी रहो, मेरी मौजूदगी तुम्हें ये एहसास दिलाएगी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर ध्रुव ने अनन्या के पेट के पास अपना हाथ रखा और नाभि के हिस्से पर दबाव देता हुआ अपना हाथ हटाकर वहां से चला गया। ध्रुव के हाथ लगाते ही अनन्या को अपनी नाभि के हिस्से में तेज जलन का एहसास हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी स्किन जल रही है। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और जैसे ही ध्रुव वहां से गया और अनन्या ने अपना कुर्ता हटाया और उस हिस्से को देखा, और देखकर वो हैरान रह गई क्योंकि उसकी नाभि के हिस्से पर एक चिन्ह बना हुआ था जो अभी अंगारों की तरह दहक रहा था, और अनन्या को बहुत तेज जलन महसूस होने लगी थी। ये देखकर अनन्या ने हैरानी से पीछे पलट कर देखा जहां से अभी अभी ध्रुव बाहर निकला था और बोली, इसका मतलब ध्रुव सब जानता है और उसे पता है कि मेरे शरीर पर ये चिन्ह है और ये बंजारन है, लेकिन कैसे? मुझे तो ये चिन्ह नहीं दिखा था। तभी उसे याद आया कि कैसे तारा और सजनी एकदम से उठकर बाहर चली गई थी घबराती हुई। इसका मतलब था कि उन दोनों को ये दिखा था, लेकिन अनन्या को क्यों नहीं दिखा? अनन्या हैरानी से बोली, मुझे कभी ये नहीं दिखा। और फिर जलन और दर्द को भूलकर अनन्या के होठों पर बड़ी ही सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखें भीगने लगी थी। अनन्या ने कहा, इसका मतलब साफ है, अगर ध्रुव सब जानता है तो बहुत जल्द वो मुझे सबसे निकाल लेगा, बस मुझे उसकी मुश्किलों को आसान करना होगा, मुझे ये देखना होगा कि उसके रास्ते में माई या कोई भी कोई नई मुश्किल खड़ी ना करे। तभी बाहर से विकी की आवाज आई, अनन्या तू आ रही है? और अनन्या ने कहा, हाँ बस आई। और अनन्या कमरे से बाहर आ गई। अनन्या को देखकर विकी ने कहा, ध्रुव बता रहा था तेरी तबीयत फिर से गड़बड़ हो गई थी। और अनन्या बोली, हाँ मतलब हो गई थी, अभी थोड़ा वक्त लगेगा शायद सेटल होने में, बस ठीक है, कोई मेजर बात नहीं है। और सजनी ने कहा, हाँ तो ठीक ही रहेगा ना, अब तो हम लोग आ गए हैं,
अब देखना अनन्या कैसे झट से ठीक हो जाती है। हम कभी उसे अकेला ही नहीं छोड़ेंगे जिससे उसे बीमार पड़ने का मौका मिले। सब जैसे ही निकलने लगे अनन्या ने देखा ध्रुव नहीं है। अनन्या ने पूछा, ध्रुव कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं आ रहा, बल्कि वो मेरे रूम में आया था बोलने के लिए कि सब बाहर जा रहे हैं। और तारा बोली, हाँ वो थोड़ी देर में आएगा, उसको कुछ काम है, वो करने के बाद आएगा। और अनन्या बोली, कौन सा काम? और यहाँ घर पर वो कौन सा काम करने वाला है? और तारा ने कहा, वो तो पता नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में, हम चलते हैं ना। अनन्या ने कुछ ज्यादा सवाल नहीं किया और वो सबके साथ घर से बाहर निकल गए। और सबके जाने के बाद ध्रुव ने बाहर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है तो वो अनन्या के कमरे में गया और वहां कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर उस घाघरा चोली पर पड़ी जो अनन्या ने पहना था और ध्रुव उसे उठाकर ले आया और उसे लेकर अपने कमरे में चला गया और बीच कमरे में उस घाघरा चोली को रखा और उसने अपने बैग से एक रोली की पुड़िया निकाली और उससे गोल घेरा बना दिया और खुद भी इस घेरे के अंदर बैठ गया और अनन्या के कपड़ों के सामने आंखें बंद कर कोई मंत्र बोलने लगा। और फिर ध्रुव ने अपना एक हाथ अनन्या के कपड़ों पर रखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर परेशानी और उलझन दिखने लगी थी। और फिर एकदम से ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और बोला, ये कैसे हो पाएगा? अगर सिर्फ यही तरीका है अनन्या को आजाद करने का तो ये बहुत मुश्किल है। अनन्या की मुसीबत किसी और के सर पर कैसे डाल सकता हूँ मैं?